Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे न्यू और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अभी हम लोग आज आए हैं VSTs प्लगइन्स के बारे में बात करने के लिए। स्पेशली एक VST ऐसे प्लगइन है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ऋषभ बोल के एक सब्सक्राइबर है, मेरे को दो तीन दिन से बता रहा था। एक्चुअली लाइव चैट में भी जब आया था तो ऋषभ बता रहे थे कि ये फ्री प्लगइन है। ऐसे हमारे बीच में हम लोग आपस में हेल्प करते रहते, तो ऋषभ ने भी ये बताया अभी, ऋषभ त्रिपाठी जी। तो आज भी मैंने जब वीडियो डाला, उन्होंने पूछा कि आपने ये प्लगइन डाउनलोड किया, मैं एक्चुअली भूल गया था। तो आज चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको कि ऋषभ का मैसेज ये देख लीजिए। तो मैंने एक वीडियो डाला था सबसे अच्छा साउंड कार्ड या औकात का साउंड कार्ड, तो उसमें ऋषभ ने लिखा सर स्पीचफायर ऑडियो लैब्स इंस्टॉल किया। तो मैंने बोला अभी करता हूँ और बाकी सबके लिए भी एक वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं सोचा एक वीडियो बना लूँ। तो मैं गया था एक्चुअली स्पीचफायर ऑडियो लैब्स सर्च करने के लिए, तो ये मिला मेरे को लैब्स फ्री वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स बोल के। तो VSTs आप जान से फ्री वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स है, और उधर जाकर मैं लैब्स में गया तो ये एक्चुअली सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन देखा, बिकॉज हम लोग हमेशा जब काम करते हैं, आपको मालूम है मैं कॉपीराइट का देखता हूँ क्या है कैसा है, तो ये अगर ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं नहीं यूज़ कर सकता है वो जानना चाहिए था मुझे। तो मैं इधर गया तो लैब्स के बारे में बताया ये क्या क्या है इसमें, और कॉन्टैक्ट का कोई ज़रूरत नहीं, ये एक स्टैंडलोन VST है और सॉफ्टवेयर सब सॉफ्टवेयर में चलता है। और इसमें लिखा हुआ है देखिए, कैन आई यूज़ लैब्स इन अ कमर्शियल रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने बोला कि यस इनफैक्ट वी एनकरेज, तो इसमें हम लोग ये यूज़ करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कमर्शियल इसके लिए भी यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो हम लोग अगर इसमें अच्छा साउंड रहेगा तो मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें हम लोग को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इधर है लैब्स में, तो सबसे पहले तो इसके लिए कि हम लोग को मैंने देखा है कि हम लोग को अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इधर मेरे पास तो अभी अकाउंट नहीं है, तो मैं अभी क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इधर ऑलरेडी बनाया है डीजे न्यू डेस्क, मेरा ईमेल का इसमें बनाया है, तो मैं अभी पासवर्ड वासवर्ड डाल देता हूँ। तो ज़रा देखता हूँ अभी मेरा मैंने क्या, हाँ ठीक है, क्योंकि कैप्स लॉक मेरे में दिखता नहीं है, तो मैं पासवर्ड बना रहा हूँ। और मैं ईमेल में जब भी कुछ फ्री आएगा तो मैं बोल रहा हूँ साइन अप प्रोडक्ट ईमेल्स, मैं ये सब क्लिक कर लेता हूँ मैगजीन, क्योंकि हम लोग को एक्चुअली न्यूज़ और वो सब मिलता रहता है, एंड आई रियली लाइक टू रीड ऑल दी न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अपडेट रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सब्सक्राइब करता हूँ हमेशा न्यूज़ लेटर पर। तो अभी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये बोल रहे हैं वन मोमेंट, डू यू हैव दिस स्पीटफायर ऑडियो ऐप इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, यू नीड इट टू इंस्टॉल दिस प्रोडक्ट। मेरे पास नहीं है उसका ऐप नहीं है, तो हम लोग अभी ले लेते हैं विद द स्पीटफायर ऑडियो इंस्टॉल कि बिलो टू इंस्टॉल वर्ली स्पीटफायर ऐप, मैंने अप्लाई इंस्टॉल फॉर विंडोज में कर लेता हूँ, तो पहले वो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, रन, यस। तो ये एक्चुअली जा रहा है 32 बिट वाला, ये भी दिखाता हूँ, प्रोग्राम फाइल्स इंटू 86 जो है 32 बिट वाला, तो ये एक चीज़ ध्यान देना। मैं क्रिएट शॉर्टकट भी देख लेता हूँ अभी इंस्टॉल, तो मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम पड़ रहा था 32 बिट और 64 बिट में कन्वर्ट करने के लिए, मेरा सिस्टम जो 64 है 64 में 32 बिट चलता है, लेकिन आप देख सकते हो पहले मेरे को प्रॉब्लम पड़ रहा था जब मेरा साउंड कार्ड का था तो हैंग हो रहा था थोड़ा, लेकिन देखते हैं अगर चलेगा तो सही है, नहीं चलेगा तो फिर मेरे को थोड़ा और फास्टर सिस्टम लेना पड़ेगा, शायद उसमें चल जाएगा। अभी फाइल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, अभी हो रहा है इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हो। मेरे को अभी लॉन्च नहीं करना, फिनिश और क्लिक नेक्स्ट, और विद द स्पीचफायर ऑडियो इंस्टॉल्ड गेटिंग स्टार्टेड, नीड हेल्प गेटिंग स्टार्टेड। उसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स है, पियानो है, इलेक्ट्रिक पियानो, ड्रम्स, बहुत कुछ चीज़ें आप देख सकते हो पीछे। ये एक्चुअली डाउनलोड लिंक नॉट वर्किंग, ट्राई इंस्टॉलिंग स्पीचफायर ऐप। अच्छा, तो स्पीचफायर ऐप से ही एक्चुअली ये खुलेगा, तो इसमें से नहीं, तो स्पीचफायर ऐप जो हम लोग को खोलना पड़ेगा, ये देखिए, यस। तो ये लोग बोल रहे हैं स्पीटफायर ऐप से ही हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, तो इधर से अभी हम लोग को डीजे नियो exb@gmail.com, पहले मैं देख लेता हूँ मेरे ईमेल, कभी कभी क्या आप लोग को वो क्या करना पड़ता है कि लिंक जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा तभी जाके काम करेगा, तो मैं इसको पहले देख देता हूँ, नहीं आया अभी तक तो ये चल सकता है, तो इसमें ही मैं कर लेता हूँ।
रिमेम्बर मी, लॉग इन करके देखते हैं। डिफॉल्ट कंटेंट पाथ, चूज द डिफॉल्ट लोकेशन टू इंस्टॉल द लाइब्रेरी कंटेंट ऑन योर सिस्टम। अभी देखिए ये बता रहा है कि डिफॉल्ट लाइब्रेरी जहाँ पे है, तो अभी ये डज नॉट एग्जिस्ट, मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ इधर, ठीक है। तो ये सी यूजर स्पिटफायर, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ चाहे तो, मैं इसको रख रहा हूँ अभी अपना डीजे नियो, और डॉक्यूमेंट्स में रख देता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स में, हाँ डाउनलोड्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स में, और इधर न्यू फोल्डर बना लेता हूँ स्पिटफायर, ठीक है, ओके। डीजे नियो डॉक्यूमेंट्स स्पिटफायर किधर गया, एक्चुअली और कहीं चला गया स्पिटफायर मेरा, मैं डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहता हूँ, तो उसको उधर डाल देता हूँ अभी मैं, एक मिनट, ठीक है जी, तो डॉक्यूमेंट्स में ये रहा स्पिटफायर, ओके, अभी इधर आ जाएगा मेरा, तो नेक्स्ट, सी प्रोग्राम सॉल्व स्टैंड बाई वीएसपी, अभी इंस्टॉल वीएसपी वीएसटी प्लगइन्स पूछ रहा है, तो इसको भी मैं अपना जो वीएसटी, ये देखिए ये ध्यान देना, ये x86 मतलब ये 32 बिट वाला, तो मेरा 32 बिट का जो वीएसटी प्लगइन्स है उसमें डालूंगा, मेरा स्टैंड बैग में जा रहा है, ये गलत है एक्चुअली, तो मैं अपना जो वीएसटी प्लगइन्स मेरा 32 बिट का इधर जाता है, मैं इसमें डालूंगा, ओके। और नेक्स्ट वीएसटी प्लगइन्स सी प्रोग्राम्स वाला वीएसटी प्लगइन 64 बिट का, तो हम लोग चेक कर लेते हैं 64 बिट का मेरा वीएसटी प्लगइन्स बराबर ले रहा है कि नहीं, तो हाँ ये मेरा बाकी सब VST plugins इधर ही है, तो इधर ही डाल दूंगा, ओके फिनिश। तो अभी ये है जो पूरा इसका है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अभी। प्लीज सेलेक्ट अ लोकेशन, तो मेरा मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ ये, तो डाउनलोड, तो थोड़ा टाइम लग रहा है डाउनलोड करने में, अभी देखते हैं, ऑलमोस्ट 1.26 GB का है, तो हम लोग डाउनलोड कर लेते इसको, ऑलमोस्ट हो गया, अभी इंस्टॉल हो रहा है वो, नो डाउनलोड्स इन प्रोग्रेस, अभी माय प्रोडक्ट्स, अभी देखते हैं नॉट इंस्टॉल में देखते हैं कुछ है, इंस्टॉल में ये सिर्फ टोटली आ रहा है, अपडेट्स कुछ नहीं है, इंस्टॉल्ड अभी, मुझे एक्चुअली मालूम नहीं, मैंने भी बताया आपको कि मैं पहली बार दे रहा हूँ ये, तो इसको ज़रा अभी बंद कर देते हैं, और हम लोग ज़रा FL Studio खोल के देखते हैं अभी FL Studio में आया कि नहीं, मैं थोड़ा बैकग्राउंड का म्यूज़िक थोड़ा कम कर दूँ अभी, तो पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट पैटर्न्स में जाएंगे और इसको देखेंगे मोर प्लगइन्स में, और मैनेज प्लगइन्स, फिर उसके बाद हम लोग फाइन प्लगइन्स में हम सर्च करेंगे, बिकॉज हमने इधर दिया वो ऑलरेडी, तो देखते हैं। ये देखिए स्पिटफायर ऑडियो का ऑलरेडी इधर दिखा रहा है, तो 250 प्लगइन्स है मेरे पास, उसमें से लैब स्पिटफायर ऑडियो देखिए 64 बिट का भी है, 34 बिट का भी है, 32 बिट सॉरी, सो 64 बिट का ये देखिए ये आ रहा है, तो मैं इसको लैब्स में डाल देता हूँ इसमें, और देखते हैं प्लगइन्स, ये जो है इंस्ट्रूमेंट सैम्पलर में जा रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ स्पिटफायर ऑडियो लैब्स, तो बंद कर देते हैं और वापस हम लोग चेकते हैं, अभी इधर आना चाहिए स्पिटफायर DHIJKLMNOPQRS, ये देखिए ये आ गया, अभी इसको खोल के देखते हैं, अभी ये आया हुआ है, इसमें अभी CPU ये सब दिखा रहे हैं, इसमें तो सिर्फ एक वुरली है इंस्ट्रूमेंट, चलिए देखते हैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो इनका इसमें बताया था वो भी देख लेते हैं अभी ज़रा, ये स्पिटफायर का जो है इसमें ट्रम्पेट्स है, रेयर ग्रूव पियानो है, क्लैरिनेट है, ड्रम स्लैप, ये देखते हैं अभी, यह आदि स्पिटफायर यस हमारे पास है, तो इसको डाउनलोड करते हैं, ओपन स्पिटफायर यस, तो स्पिटफायर सॉफ्टवेयर में ही ये इंस्टॉल होगा, आप देख सकते हो, देखिए प्लीज सेलेक्ट लोकेशन टू इंस्टॉल स्पिटफायर ड्रम्स, तो हमने एक्चुअली इसमें स्पिटफायर में डाला हुआ था, ठीक है ओके,
इंस्टॉल, तो ये भी टाइम लगते हैं एक एक इंस्टॉल करने के लिए, तो आप रहना मेरे साथ। तो अभी मैं इन सब को इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ बाद में एक एक इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे FL स्टूडियो में, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं एक्चुअली जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स था ये स्पिटफायर में मैं सब एक्चुअली इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैं गिना नहीं कितना इंस्ट्रूमेंट्स है टोटल, मैं एक एक करके पहले डाउनलोड कर रहा था, लेकिन आप ये एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो ये जो सॉफ्टवेयर है स्पिटफायर का, स्पिटफायर ऑडियो, पहले वो डाउनलोड करना है, उसके बाद आप एक एक इंस्ट्रूमेंट स्पिटफायर ऑडियो के थ्रू उसके अंदर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बिकॉज वो इंस्टॉलेशन एक डायरेक्टरी बनाता है। तो आप लोग को पूछता है कि कौन सा जगह पे आपको इंस्टॉल करना है। ये सेम नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का जो कॉन्टैक्ट है उसी के तरह ही है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत फ्री है, और मैं एक्चुअली सच बताऊँ तो आपको ऋषभ त्रिपाठी, आप सब लोग ऋषभ त्रिपाठी को थैंक्स बोलिए, बिकॉज ये जो है उनके कारण हमको आज मिला है, और बहुत ही हेल्पफुल वाला शायद सॉफ्टवेयर रहेगा ये VSTs इंस्ट्रूमेंट्स जो है। मेरे पास वैसे भी इंस्ट्रूमेंट्स कम थे, सिर्फ रफेल स्टूडियो के इंस्ट्रूमेंट्स थे, शायद ये हमें और भी आइडियाज़ देंगे और दो और भी इंस्ट्रूमेंट्स देंगे। तो ये इंस्टॉल कर लेते पहले, उसके बाद हम लोग मैं दिखाता हूँ आपको FL स्टूडियो में हम लोग इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो चुका है अभी सब इंस्टॉल, अभी हम लोग इसको बंद कर देते हैं स्पिटफायर ऑडियो को, और मैं बेसिकली इवन अपना ब्राउज़र को भी बंद कर देता हूँ। अब मैं FL स्टूडियो वापस खोल लेता हूँ, और FL स्टूडियो खोलने के बाद हम लोग अभी जो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किया है, तो इसमें स्पिटफायर जो है, स्पिटफायर का जो है लैब्स का, ये देखिए ये ऑलरेडी हमको आया हुआ है, तो हम इसमें अभी बेसिकली इसको लोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने उसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो इधर देखिए मैंने स्पिटफायर जो है लैब्स ये जो आ रहा है इसको मैंने खोला अभी, तो प्लगइन लोड हो रहा है अभी। आप देख सकते हो इसमें जो है स्पिटफायर का जो है मेन इंटरफेस खुल जाता है, और ये इंटरफेस खुलने के बाद देखो मेमोरी भी बहुत ही कम ले रहा है, एक्चुअली ओनली 1%, आई कांट बिलीव कि इतना कम मेमोरी ले रहा है अभी। तो ये ज़रा मैं अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा कम कर लूँ, ज़रा एक मिनट, नहीं तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है इसमें। हाँ ये रहा हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हमने एक्चुअली डाउनलोड किया, जो भी है सुपर सोल, वायलिन, हारमोनिक, सॉफ्ट पियानो, स्ट्रिंग्स में देखिए स्ट्रिंग्स एनसेम्बल में आया हुआ है, तो ट्रम्पेट फील्ड्स, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक पियानो, कॉयर, तो कॉयर ज़रा देख लेते हैं ज़रा हम लोग, ठीक है। इधर से शायद सेलेक्ट करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से, सर अभी चलो देख लेते हैं, चलो हम इतना आ रहा है तो पहले खेल के देखते हैं। लोड, साउंड मैं ज़रा बढ़ा देता हूँ, इधर आगे हम लोग इधर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं हार्मोनिक बोर्ड से, और भी देखते हैं अभी हम लोग, और देखते हैं वोकल्स में क्या है हमारे पास, इसमें कॉयर का है लॉन्ग लोड, क्लियर कर लेता हूँ पहले, फिर ड्रम्स का देखते हैं, अभी ड्रम्स में ये है लोड कर लेता हूँ। बात है, बहुत अच्छे साउंड है इसमें, बहुत पावरफुल साउंड दिख रहा है मुझे, ये क्लियर कर ले। तो अभी पियानो देख लेते हैं कौन कौन सा, सॉफ्ट पियानो, कोरस पियानो है, बहुत सारे पियानो में देख लीजिए इतना सारा, रेयर ग्रूव पियानो, सस्टेन वाला देख लेता हूँ, मेरे को एक्चुअली हमारे जो इंस्ट्रूमेंट चल रहा है अभी क्लियर, और भी देख लेता हूँ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वायलिन देख लेता, बिकॉज वायलिन का मेरे को बहुत मुश्किल से कोई मिला है अभी तक, कुछ नहीं मिला अच्छा वाला। अब जरा कुछ बना के देखते हैं इसमें, अगर कुछ इंटरेस्टिंग बनता है कि नहीं, इसको एक में डाल देता हूँ, सॉरी एक में डाल देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, इसको ये नहीं चाहिए मुझे सैम्पलर, और हम लोग मैं एक नॉर्मल एक जो भी मिला उसमें से बना रहा हूँ मैं, एक सौ चालीस है तो 112
कोशिश करते हैं अभी दोस्तों कैसे क्या है हम लोग को देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो अभी फ्री में जब मिल रहे इतने सारे अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। देखिए अब आप इसमें से चेंज कर सकते हो कुछ भी करना है तो इसको डिटैच कर दीजिए आप, नहीं तो फिर बजे। देखिए कर देते क्लियर, अभी और भी कुछ देखते हैं हम लोग कुछ और क्या क्या है। परकुशन, ट्यून परकुशन, स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स में हमने देखा नहीं, स्ट्रिंग्स में देख ले तो और क्या क्या है। एनसेम्बल है ये, जरा प्ले करके देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन साउंड है ये। ये रिवर्ब के लिए है, ये सस्टेन रिलीज, क्या बात है। शॉर्ट वन तो इसमें और भी है, थोड़ा देख लेता हूँ मैं आपको जरा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। फिर चलो एक्सपेरिमेंटल पियानो, ड्रम्स, कीज, कीज में देख लेते सस्टेन वाला नोट, और तो दोस्तों आपने देखा आज जो बेसिकली हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन था बेसिकली ये फ्री था, तो जो भी है इसमें से हम लोग बैठ के बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट जो फ्री मिला है, लेकिन हाँ आप लोगों को उसमें खेलना पड़ेगा, साउंड डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें कुछ अच्छा म्यूज़िक बना सकते हो। मैं देखूंगा अगर सिर्फ इसी इंस्ट्रूमेंट से अगर एक गाना बना पाओ, हम लोग देखेंगे कोशिश करेंगे इसमें हम लोग बना पाते हैं कि नहीं, और उसके बाद कोशिश करेंगे जो भी है। फ्री फ्री तो बहुत ही अच्छा होता है जब भी। और मैं ऑफकोर्स मैं ऋषभ को थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू डाउनलोड दिस। और क्या बोलूँ, बहुत अच्छा सा एक यह है सबके लिए, उन्होंने जो अपना तरफ से बोला कि ये फ्री है और ढूंढ के निकाला उन्होंने। थैंक यू सो मच ऋषभ त्रिपाठी, और आप लोग भी डाउनलोड कीजिए। हो है अगर आपको ये हेल्पफुल रहा रहेगा तो डेफिनेटली, और आप लोग नए सब्सक्राइबर हो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोग को भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।